अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ना धंधा एकदम मस्त चल रहा है। अरे नहीं, मार्केट चालू था, वायरस का टेंशन नहीं है इधर। अरे पुणे ना सबसे बड़ा डेंजर वायरस है। अरे अन्ना, एक और वसूली करने का है। ए रुक, भाऊ हाथ जोड़े हैं। भाऊ घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। भाऊ माल निकाल, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में रास्ता नहीं। भाऊ चल निकल, चल निकल कड़के। वैसे उस्ताद, इस लॉकडाउन ने ना सारे काम धंधे की कमर ही तोड़ दी। पता नहीं आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा। अरे अल्लाह का शुक्र है, काम शुरू तो हुआ। मुझे तो लगा था गैरेज हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। लो आपका खाना भी आ गया उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम मेरी बच्ची। अब्बू खाना। बेटी जी तू अंदर जा। क्या चाचा, बहुत माल कमा लिया। चलो अब जरा गला ढीला करो। गला ढीला करो? कोई पैसा वैसा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। लगता है जेल की हवा रास नहीं आई। बरकुरदार निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को फोन कर दूंगा। ओ चर्बी हो गई है बुड्ढे तेरे में। क्या भाव, काय को अपने हाथ गंदे करते हो? अरे इस बुड्ढे को मैं देखता है ना। अरे एक मिनट रुको, क्या रे बुड्ढे? अरे हैं क्या, भाव के साथ मस्करी करता है, पैसा नहीं देगा? चाचा 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 एक्टिंग करो। पैसा नहीं देगा? अब्बू हाँ नहीं देगा पैसा? दे पैसा, निकाल 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 पैसा। ये लो सारा पैसा निकाल लिया। वाह शिवा वाह, एकदम सही जा रहे हो। अब से ये एरिया तेरा। ऐश कर। ठीक है बाबू। चाचा ध्यान रखना। अब्बू 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 क्या हुआ आपको? आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। ओ शिवा ने बचा लिया। पहली बार देखा है ऐसा शरीफ गुंडा। मतलब उसे चोट लगी है, उसके लिए मलहम पट्टी का इंतजाम कर। शिवा अबू हम लेके जाते हैं। ए चंगू बंगू, ये शिवा कहाँ रहता है जो गुंडा है? गुंडा चल पप्पू, इन्हें शिवा गुंडा से मिलाते हैं। और वैसे ये बताओ तुम कैसे जानते हो शिवा को? आपका शिवा गुंडा हमारा शिवा भाई है। चलो आपको लेके चलते हैं। चलो चलो मिलते हैं शिवा से। ये रहा शिवा गुंडा।
तू यहाँ? क्या पागल लोग, तुम लोग इसको यहाँ क्यों लाए रे? अब ये नहीं लेके मैं खुद आई हूँ। तो इधर क्या कोई पार्टी वार्टी चल रही है क्या? मालूम नहीं ये मोहल्ला बदनाम है। ए चंगू बंगू, ये कुछ सामान लाई हूँ तुम्हारे लिए और पट्टी लाई हूँ, टाइम से पट्टी कर देना। बैठो। मोहल्ला तो इतना गंदा है ही सही, लेकिन घर कौन इतना गंदा रखता है? नींद कैसे आ जाती है तुम लोगों को? खाना टाइम से खा लेना। आज तो पूरे एक हफ्ते की कमाई लूट जाती अगर शिवा ना होता तो। अल्लाह उस पर हमेशा अपनी रहमत बख्शे। आमीन। अरे इंशा बेटा, कहाँ रह गई थी, कितनी देर लगा दी? अम्मी वो शिवा है ना, जिसने अबू की जान बचाई, उस चोट आई हुई थी तो उसको पट्टी और कुछ खाने पीने का सामान देने गई थी। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे अबू को कुछ नहीं हुआ, पर तुम भी अपना ख्याल रखना और ये मत भूलना वो भी एक गुंडा है। अम्मी हमारे मोहल्ले में उस भाव से सब लोग डरते हैं, लेकिन शिवा ने आकर ना सिर्फ अबू की जान बचाई बल्कि उस भाव को बेवकूफ बनाकर यहाँ से भगा भी दिया। सच कहूं अम्मी, उस जैसे गुंडे की ही जरूरत है हमारे मोहल्ले को। नींद कैसे आ जाती है तुम लोगों को? अपन लोगों का घर कितना गंदा है रे, तुम लोगों को नींद कैसे आती है? एक काम कर, चलो उठो झाड़ू लेके आओ, सफाई करते हैं, चल। अरे भैया, अपन तो कब से ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही सोते हैं। बेटा मैं पूछ नहीं रहा है, मैं तेरे को बता रहा है। और अगर इधर रहना है ना तो इधर शिवा का राज चलता है और उसी का रूल चलता है। तू क्या देख रहा है, जा झाड़ू ले क्या जल्दी। अरे भैया अपने ना झाड़ू किधर है? झाड़ू नहीं है क्या? एक काम कर, वो बाजू वाली काकी है ना, जा उसके पास से लेके फटाफट लेके। चंगू मंगू, शिवा, शिवा। अरे कौन है? अरे तुम, अरे तू दोबारा आ गई यहाँ पर? ये क्या तरीका हुआ घर आए मेहमान से बात करने का? और मैं तब तक आऊंगी जब तक तुम्हारा ये हाथ का जख्म ठीक नहीं हो जाता। काय को? पट्टी करने को और काय को? पप्पू चल खाना खाने चलते हैं। ए चंगू मंगू रुको, जाओ जाकर नहाओ और अच्छे से ब्रश करो, और इंसानों की तरह प्लेट में डालकर खाना खाओगे ठीक है? पर कैसे भाई हो तुम, जरा भी तमीज नहीं सिखाई बच्चों को। अरे खुद नहीं सिखा सकते तो कम से कम इन दोनों को स्कूल तो भेज सकते हो ना।
अबे पप्पू, घर साफ करने को बोला तो घर साफ हो गया? स्कूल के बोलिए स्कूल लगाना पड़ जाए। मस्त पाउडर लगा दिया, अभी तू खुशबू मारेगा। हाँ तू इधर आ। लेकिन किक नहीं कर रहे अपने साथ। चुप कर, बहुत ही बोलता है। वाह तुम तो बैंगन निकले। लड़की बोली तो अपन को टीवर दिखाने लगे। लड़की नहीं बेटा, भाभी है वो। भाभी है वो तुम पोपट लोगों की, समझा? और भाभी का ख्याल रखने का है, समझे? चलो अब स्कूल के लिए देरी हो रही है, चल। पेन सुनो मेरी बात गौर से, उधर ना स्कूल में ज्यादा परेशान नहीं करना टीचर लोगों को, ये सब नहीं करना उधर। एकदम बड़ा वाला आदमी बनना है, इंग्लिश स्पीकिंग टाइप, और मेरा नाम एकदम ना बल्ब के जैसे जला देना। रोशन है? गजब झाड़ू आड़ू। भाभी के सामने ना मेरे से प्यार से बात करना। तो मैंने जो पढ़ाया था समझ गया ना तुम लोग? समझ गया ना? क्या पढ़ा? वो इन लोगों को मैं थोड़ा पढ़ाता है ना। भैया सारी पढ़ाई यहीं करनी है, स्कूल भी जाना है। हाँ चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, स्कूल छोड़ के आता हूँ। चलो चलो क्या सिवा, तूने बोला कि तू हफ्ता वसूलेगा, दो दिन हो गए एक भी दुकान का हफ्ता नहीं आया, तूने सबको बोल दिया कि आपसे कोई हफ्ता नहीं देगा? नहीं भाऊ, सिर्फ इसको बोला था। क्या चाचा क्यों वाट लगा रहे हो मेरी? भाऊ वो ऐसा है कि किसका बेटा मर गया, अभी एक अकेला कमाने वाला है और खाने वाले 6 लोग हैं, तो उसको जाने दो ना। अब तू मुझे धंधा करना सिखाएगा? ये भाऊ एक बार बोला समझ नहीं आया क्या? हाँ आज से तेरी भावगिरी बंद इधर, और शिवा की दादागिरी चालू। आज के बाद इधर दिखाई दिया ना तो तेरे भाव का खाओ निकाल दूंगा। नहीं साहब, वो लोग झगड़ा कर रहे थे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सब अकेली रहे, पुलिस स्टेशन में झगड़ा कर रहे, साहब साहब ये तो मेरी स्कूली है साहब, साहब मेरे को क्यों पकड़ रहे हैं? कहते हैं प्यार ना कोई धर्म देखता है, ना कोई जात और ना ही किसी की औकात। प्यार अगर देखता है तो सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा दिल। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी ये सच्ची कहानी भी ऐसे ही दो किरदारों के बीच की है, जो एकदम अलग अलग तबके के थे, शिवा और इंशा। शिवा जो कि एक गुंडा था, वहीं दूसरी तरफ इंशा एक सभ्य और शरीफ परिवार की लड़की थी। इंशा ने शिवा का सच्चा दिल देखकर उसे अपना दिल दे दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार करना आसान है लेकिन जमाने से लड़कर उसे निभाना बड़ा ही मुश्किल काम है। शिवा का सच्चा दिल और उसकी दबंगाई देखकर इंशा ने उसे अपना दिल तो दे दिया, लेकिन इसी वजह से शिवा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। आइए देखते हैं क्या इंशा अपनी मोहब्बत कायम रख पाएगी या पीछे हट जाएगी, और इस मुसीबत का सामना शिवा कैसे करेगा। घबरा मत, तेरा एनकाउंटर नहीं कर रहे। देख शिवा, तेरी पूरी मोहल्ले वालों ने बहुत तारीफ की है, और हमें यह भी पता है कि तू बहुत से सबको कैसे बचा था। हमें तेरे जैसे बंदे ही चाहिए, हमारा इन्फॉर्मर बन जा। सर मैं कोई चूहा नहीं है जो इधर उधर के लोगों का इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तो चल ले चलो से। पता है मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्यों तुम दोनों नहीं करते अपनी अम्मी से प्यार? लोग ने तो अपनी अम्मी का चेहरा भी याद नहीं है, कोई कहता है कि एक्सीडेंट में मर गई, तो कोई कहता है कि कचरे के डिब्बे में छोड़ गई। तो मतलब शिवा तुम्हारा सगा भाई नहीं है? नहीं वही हमारा भाई है और हमेशा रहेगा,
जरूरी थोड़ी ना कि खून का रिश्ता वाला भाई ही भाई होता है। हम तीनों अनाथ हैं और एक दूसरे के लिए हैप्पी फैमिली भी है। एकदम सही, शिवा भैया हमेशा कहते हैं हम उनके दो दिल हैं। मुझे तो लगता है ना अगर तीसरा दिल भी उग गया आपको देख के। चुप करो तुम दोनों, कितने बदमाश हो गए हो, कुछ भी बोलते हो। खाना खाओ चुपचाप। ए चंगू मंगू, चंगू मंगू उठो फटाफट, जल्दी उठो, देर हो रही है वैसी बहुत। उठो उठो उठो। देर किस लिए? अरे तुम्हें स्कूल के लिए और मुझे कॉलेज के लिए। अगले एक घंटे में तुम दोनों को ब्रेकफास्ट करके यूनिफॉर्म में रेडी होना है और मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी और शाम को वापस आते समय तुम दोनों को ले लूंगी, ठीक है? चलो फटाफट रेडी हो जाओ। शिवा भैया तो घर पे नहीं है तो घर की रखवाली करनी पड़ेगी ना। अच्छा, बहुत बड़ा ताजमहल है जिसकी तुम दोनों को रखवाली करनी है? हाँ, 5 मिनट में ना तुम दोनों के दोनों तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझे? चलो उठो फटाफट। पप्पू ये तो शिवा भैया से भी ज्यादा डेंजरस है, चल चल जल्दी चल। शिवा तुम कब आए, कैसे हो? जब तू बच्चे लोगों को सुला रही थी तभी आए। शिवा भैया, तुम हमें ऐसे कैसे छोड़ के चले गए जेल? हाँ भैया, कोई हमें उठा के लेके जाता तो? अरे चुप करो ना नौटंकी लोग, कितना बोलते हो, और तुम जैसे डेंजर लोगों को कौन उठा के लेके जाएगा? हाँ भैया, आपके जाने के बाद ना दीदी ने हम लोग को बहुत अच्छे से ख्याल रखा, रोज हमें खाना भी खिलाती और स्कूल भी छोड़ती। बस बस इतना भी नहीं किया? नहीं नहीं, थैंक्स अंशा, वो तुम लोगों के भाषा में क्या बोलते हैं, शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन बच्चों के लिए जो कर रहे हो उसके आगे शुक्रिया शब्द बहुत छोटा है। अच्छा शिवा, अब मैं चलूं? ठीक, बाय दीदी। बाय दीदी। बाय बाय। अभी तुम लोगों की दीदी ने तुम लोगों का ध्यान रखा ना, तो अभी तुम लोगों को अपनी दीदी का ध्यान रखना है। मतलब? मतलब ये कि ये लो मोबाइल। मोबाइल? मोबाइल, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये तुम लोगों के गेम वेम खेलने के लिए नहीं है, इससे ना तुम लोग अपनी भाभी का ध्यान रखना। ध्यान मोबाइल से? हाँ सुनो, अभी जब भी तुम्हारी भाभी तुम लोगों को दिखेगी तो तुम उसका फोटो खींचने का और मेरे को भेज देने का, और कुछ अर्जेंट रहेगा तो मेरे को फोन घुमाने का। ये ऐसे ऐसे सर मत घुमाओ, अब ये बात ना अपने दिमाग में डाल लो अच्छे से, समझे? हाँ, डाल लिया। हाँ कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? वो मैं बस इधर ही किधर जा रहा था तो मैं छोड़ दूँ क्या? मालूम नहीं इसको क्या हो गया। इसको क्या हो गया? चले अब, रुको रुको। क्या हुआ? अरे रुको ना, भुट्टा खाना। आओ खिला तू। ये लो, आओ उधर चलते हैं। पैसे दो। अरे अभी मेहनत करता है ना वो, दो पैसे। हाँ देता हूँ ना। दे भाई, मस्त जगह बैठना।
अरे मच जगह मतलब बैठ ना। अच्छा इंशा, अपने को ना तेरे से एक बड़ा वाला बात करने का, वो क्या कहते रहे इंग्लिश में, वो अडल्ट वाला बात करने का, समझ रही है क्या? अरे वो क्या है ना, वो बच्चे लोगों के सामने बोल नहीं सकता था, वो क्या किधर भी जाके मुंह फाड़ देते। अभी तू ना गौर से सुनना और अपने को बता, वो पुलिस वाला याद है तेरे को, वो जो अपन को पकड़ के लेके गया था, वो मेरे को बोला कि अपन ना उसका वो क्या बोलते हैं, वो टिपर होता है ना जो टिप देता है, वो बनने। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं यार, बहुत परेशान हो गया हूं, समझ नहीं आ रहा है। तो ये थी तुम्हारी अडल्ट वाली बात? हाँ, तेरे को क्या लगा? अब वो सब छोड़ो, अब वैसे तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे लगता है तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए। वैसे भी गुंडा बनने में कौन सा फ्यूचर है, अब करियर तो अच्छी जगह बनना चाहिए ना। और वैसे भी कल को शादी वादी करोगे तो क्या कहोगे, मैं गुंडा हूँ? नहीं ना। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने बहुत सोचा साहब, तो मैं आपका इन्फॉर्मर बनने के लिए रेडी हूँ। देर है दुरुस्त है। देख शिवा, हमें इन छोटे मोटे गुंडों से कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला, हमें इनका बॉस चाहिए। बॉस? साहब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये बाबू को जानता? हाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ, तब वही तो यहाँ का इस एरिया का दादा वही है, ये जो हफ्ता वसूली होती है वही करता है। नहीं, वो भी बाकी गुंडों की तरह छोटा मोटा भाई है, वो वसूली कर अपना पैसा अपने बॉस को भेजता है, समझा? तो वहाँ से जो पैसा आता है वसूली का, वो उन लोगों में बांटता है जिनसे वो शहर में दंगे करवाता है। वो ये पैसा इसलिए बांटता है क्योंकि वो पैसा ट्रेस नहीं हो पाता, तो बस हमें उसे ढूंढना है जो ये काम करवाता है। ठीक है साहब, मैं पता करता है ये बॉस कौन है, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक ठीक है, आओ। थैंक साहब, आओ। आपने अपन को माफ कर दिया, ये मोहल्ले के छोकरे लोग है ना, उन लोगों ने अपना दिमाग खराब कर दिया था। चल जाने दे शिवा, लेकिन अच्छा हुआ तुझे कम से कम मेरी ताकत का अंदाजा तो हुआ। हुआ ना भाऊ, एकदम हुआ। अच्छा भाऊ, अपुन ने सुना है कि आप किसी और के लिए काम करते हैं, काय को हो? अरे अपना खुद का टीम बनाओ ना, अपुन भी आपका साथ देगा कसम से। शिवा बैठ। हाँ शिवा, सोच तो मैं भी ऐसा ही रहूं, लेकिन क्या है कि ये जो सेठ है ना, इसकी टीम को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सेठ भाऊ? ये सेठ कौन है? है एक बहुत बड़ा डॉन, सेठ नाम करके मशहूर है। अच्छा भाऊ, अपने को भी मिलाओ ना कभी वो सेठ से। नहीं को, तेरे को भी उसका टीम ज्वाइन करने है क्या? अरे नहीं भाऊ, आप तो नाराज हो गए भाऊ, ऐसा कुछ नहीं है, अपन तो सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि आपसे भी बड़ा डॉन कौन है इधर। वैसे जाने दो भाई, वैसे भी अपने को ये बड़े लोगों से मिलने का कोई शौक नहीं है, खाली पीली बहुत भाव खाते हैं। मिलवाता हूँ एक दिन, क्योंकि क्या याद रखेगा है। थैंक्स साहब। अरे मैं शिवा। अरे दिख रहा है मेरे को तेरी सड़ी हुई शक्ल और सड़ी हुई बदबू आ रही है तेरे में से। तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी अप्पा को पता चल गया ना तो कत्ले आम हो जाएगा, तू जा यहाँ से। अरे कुछ नहीं होगा, अपुन देख के आया, तेरा अब्बू और अम्मी मस्त सोए हैं शांति से। अल्लाह, सोहेल कहीं गए? तू मम्मी के रूम में चले गए? अरे मैं जान पूछ के, अपुन को क्या मालूम तेरा रूम कौन सा है, अपुन गलती से उधर चला गया ना तो तेरी अम्मी सोई ली थी उधर, दिख गया मेरे को। तो एक नंबर के पागल हो,
पता है इंशा पुन भी आजकल ऐसा ही कुछ फील कर रहा है। तुम ना जो फील करना है घर जाके फील करना, अभी यहाँ से जाओ, कोई आ जाएगा। जा। अरे लेकिन अभी बिना कुछ करे कैसे जाएगा? ईशा कोई आ रहा है, कोई आ ईशा। जी 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 अबू। सब सब खैरियत? हाँ। आप इतनी रात को हमारे कमरे में? मुझे लगा कोई है, तुम सोई नहीं अभी तक? वो अबू नींद नहीं आ रही थी तो सोचा पढ़ाई कर ले। ठीक है, जल्दी सो जाना। जी। बेहया रात को गैर मर्दों को देखती है? अभी तेरी माँ को बता दो। अबू 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 हमारी बात, हमारी बात तो सुनिए अबू। क्या हुआ? तुम्हारी बहन ने इंशा के लड़का बताया था ना, कल उनसे बात करना। भाऊ। हाँ भाऊ। सेठ से मिलना था ना तुझे, आजा मिलवाता हूँ। आज ही मिलने का है? हाँ ठीक है भाऊ, आता है मैं, आता है। हेलो साहब, मैं शिवा बोल रहा हूँ। वो भाऊ आज सेठ से मिलाने वाला है तो मैं उधर मिलने जा रहा हूँ। ठीक है शिवा, अपना फोन ऑन रखना और अपना ख्याल रखना शिवा। ठीक है सर। पुलिस का इन्फॉर्मर बनना दोधारी तलवार से लड़ने जैसा होता है। इस इन्फॉर्मर की पुलिस को जितनी जरूरत होती है उतना ही वो लोग उससे नफरत करते हैं जिनकी वो जासूसी करता है। शिवा ने अपने और इंशा के सुनहरे भविष्य के लिए पुलिस का इन्फॉर्मर बनने का काम चुन लिया, पर सेठ और भाव जैसे लोगों के लिए शिवा जैसे मोहरे को खत्म करना बाएं हाथ का खेल था। एक तरफ शिवा और इंशा अपने प्यार के सपने संजो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शिवा कुछ ऐसा करने वाला था जिससे उसकी जान को खतरा था। आइए देखते हैं क्या हुआ। शिवा फोन उठाओ। सेठ यकीन मानिए लड़का अच्छा है, आप प्रमोशन दे सकते हैं इसको। अब अगला दंगा आगरा में कराना है, जाएगा आगरा? उसी आगे से लट लो। जाएगा ना सेठ, क्यों नहीं जाएगा। और वैसे भी प्रमोशन किसको नहीं अच्छा लगता है। वैसे सेठ अपन को तो लगता था कि वो गुस्साई लोग होते हैं ना, वही से दंगा करते हैं। अपने को ये नहीं मालूम था कि हम लोग इधर बैठ के दंगा ऑर्डर भी कर सकते हैं। दंगा ऑर्डर? क्या जोक मार रहे हैं, लेकिन सच है। जहाँ दंगा कराने होते हैं ना वहाँ हमारे बंदे पहुँच जाते हैं। आग लगी होती है, हम तो सिर्फ तेल डालते हैं। सब सुन रही है पुलिस, वेरी गुड शिवा। अभी क्या है ना सेठ, अपना भेजा तो हफ्ते के आगे कभी बढ़ा ही नहीं, तो ये सब कहाँ से सोचेगा। हिलने की कोशिश मत करना, बहुत हुआ तेरा लुक्का छुपी का खेल, समझा? तुम्हें कुछ याद भी है? तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा था। अभी तुम दोनों ना ये बंकस करना बंद करो और बताओ हुआ क्या है। और एक बात बताओ, तुम लोग मेरा कब से इंतजार करने लगे रहे? हम नहीं भाभी, और तुम कल उसे कॉलेज से लेने क्यों नहीं गए? आज उसे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, शादी कर रही है वो।
इंशा, ये सब क्या कर रही है तू? अरे माना कल अपुन बिजी था, बट वो पुलिस वाले काम के लिए था ना, बताया तो था तुझे। बेटा अभी मेहमान आए हुए हैं। मर्द की जुबान ना सोने की जैसी खरी होनी चाहिए, कल क्यों नहीं बताया? अरे मर्द बेचारा क्या करे, वही तो कर रहा है जो लड़की ने करने के लिए बोला है। अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा है और बन के दिखाएगा। अपुन ये सब अपनी शादी के लिए तो कर रहे हैं। चलो बेटा सुनिए सुनिए, मेरी भैयाजी के सामने ना कटवा दी मेरी, उस गुंडे मवाली से निकाह करेगी तू? अबू जिस दिन उसने आपकी जान बचाई थी उस दिन तो बहुत शरीफ लड़का था ना वो आपके लिए। हाँ। और सड़क के जानवर को प्यार से खाना खिलाना और उसे घर में पालना अलग बात है। एक अच्छा इंसान होना क्या इतना काफी नहीं है आपके लिए अबू? सुन लो, जब तक इसका निकाह नहीं हो जाता ये घर से बाहर नहीं निकलेगी, समझे? चलो इंशा, अपुन को माफ कर दे, अपुन की वजह से ये सब हुआ। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, सब प्यार की वजह से हुआ। सब प्यार की बातें करते हैं लेकिन प्यार किसी को पसंद नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम कहीं भाग चलते हैं। नहीं इंशा, अपुन लोग भागेंगे नहीं, अपुन तेरे लायक बन के दिखाएगा। तू देखना एक दिन तेरे अब्बू और अम्मी को ना अपुन के ऊपर नाज होगा। इंशा तूने बोला ना कि अभी अपुन तेरे लायक नहीं है, ये ले इंशा, जिस दिन तेरे को लगे कि अपुन तेरे लायक हो गए उस दिन ये शादी का जोड़ा पहन के अपुन के पास आ जाना। हाँ, पर ज्यादा इंतजार मत करवाना, अपुन जल्दी आएगा। शिवा भैया कल से घर पे नहीं आए। उमना तुम परेशान मत हो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। इंशा, इंशा कहाँ जा रही हो? तुम्हारे अबू ने तुम्हें मना किया ना बाहर जाने के लिए? इंशा रुको, इंशा हेलो। सर मैं इंशा बोल रही हूँ, शिवा की दोस्त। सर कल शाम से शिवा घर नहीं आया। आपके लिए ही काम करता है ना वो? हाँ करता है, मगर मैंने अभी उसको काम तो दिया नहीं। वैसे देखिए तुम घबराओ मत, मैं पता करके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। जी चलो। शिवा ये क्या हालत बना रखी है, क्या इतनी चोट कैसे आई तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं, किसी ने गुंडों को खबर कर दी थी कि शिवा हमारा खबरी है, उन्होंने इसे उठवा लिया था। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना बचता नहीं। अरे मैं ठीक है, मैं कहाँ गई थी तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना घर से बाहर नहीं निकलना। वो अबू शिवा को किसी ने उठवा लिया था, बेचारे को बहुत ज्यादा चोट आई थी,
जिंदा नहीं बचता अगर आज उसे पुलिस नहीं ढूंढती तो। मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए थे, इन्फॉर्मेशन भी दी थी, फिर भी वो कैसे बच गया? मैंने शिवा को सिर्फ मारने के लिए पैसे नहीं दिए थे, जान से मारने के लिए पैसे दिए थे, समझा? अबू, आपने मेरे शिवा को मारने की कोशिश की? तो क्या करता मैं? गुंडा है वो, मवाली है वो, तुझसे शादी करेगी? अरे बिरादरी में हमारी नाक कटवाएगी? मवाली जरूर है, लेकिन उसके अंदर शराफत है। जिसने आपको बचाया था और आपने आपने क्या किया उसके साथ अब्बू? ये लिंच, जिस दिन तेरे को लगे कि अपन तेरे लायक हो गए, उस दिन ये शादी का जोड़ा पहन के अपन के पास आ जाना। अपन तेरे लायक बन के दिखाएगा, तू देखना एक दिन तेरे अब्बू और अम्मी को ना अपन के ऊपर नाज होगा। मैं गलत थी शिवा, मुझे लगा था तुम्हें मैं अपने लायक बना लूंगी, शरीफों के मोहल्ले में रहने लायक बना लूंगी, पर इंसान का शरीफ होना भी बहुत जरूरी है। अब्बा ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते थे, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे बराबर बन सकूं, तुम्हारे जितना बड़ा दिल बना सकूं। दीदी, दीदी, एक मिनट, स्माइल। कैसी लग रही हो मुन्ना? दीदी, शिवा भैया को छोड़ो, मेरे साथ भाग चलो। बदमाश कहीं का, चल अब जल्दी भाग यहाँ से। पागल लोग तुम लोग। अरे मैं डॉक्टर के पास गया था, ठीक है मैं, क्यों रो रहे हो? शिव भाई, इंचा ना था। शिव भैया, अबू जान, इंचा कहाँ है? कहाँ है मेरी इंचा? ये तो वो अभी इस दुनिया में नहीं रही, उसे अभी अपना के आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, इंशा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे भैया, इंस्पेक्टर साहब आपको फोन कर रहे थे, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? तेरा फोन दे। ये फोटो कब लिया? अरे ये मैंने आपको नहीं भेजा था, ये हिंजा भाभी के मौत के पहले का है। कितनी सुंदर लग रही थी ना, और कितनी खुश थी। ऐसा मनहूस जोड़ा था, मेरी इंशा इसी जोड़े में मरी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था इन्हें? दिमाग में बुखार चढ़ गया था। भैया, जब हम लोग ने इंशा भाभी को देखा था, तब वो शादी के जोड़े में नहीं, सलवार कमीज में थी। बट तुम लोगों ने बोला था ना कि वो अपुन से मिलने आ रही थी। हाँ, क्योंकि भाभी ने अपने को वही से बोला था। क्या हुआ शिवा? साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या?
साहब ये देखो, ये शादी का जोड़ा मैंने इंशा को दिया था और मैंने उससे कहा था कि ये उसे तब पहने जब उसे लगे कि मैं उसके लायक हूँ और वो मेरे पास आने वाली होगी। साहब इंशा उस दिन बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उस रात जरूर कुछ गलत हुआ है सर। साहब मेरा दिल कह रहा है, साहब साहब मेरी गट फीलिंग कह रही है। मगर शिवाय गट फीलिंग के साथ कैसे केस ओपन होगा? सर प्लीज आप कुछ करो ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ गलत हुआ है सर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे लिए सर, प्लीज प्लीज। ठीक है, कुछ करता हूँ। तेरी बेटी की मौत बुखार से नहीं, उसे जहर देने से हुई, समझा? उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मैं पता लगा कि तूने उसे जहर दिया, और हमने उस डॉक्टर को भी पता लगा। हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। मेरी इज्जत दांव पर लगाने से अच्छा है तो मर जाए। अबू, बेटी है हम आपकी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बेटी। इसके कपड़े बदल दो वरना लोग देखेंगे, उन्हें शक होगा। मैं डॉक्टर भाईजान को बुला के लाता हूँ। बड़ा कोई पूछे तो कह देना बुखार सर पे चढ़ गया है। तेरे जैसे बाप और चाचा बच्चा अनाथ ही रहेंगे। चल चलिए आप भी। ऑनर किलिंग हमारी सभ्यता और समाज का वो दाग है जिसे मिटाना बहुत ही मुश्किल है। हम आजादी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, दीवारें तोड़ने की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, लेकिन जब बात हमारे ऊपर आती है तो हम अपने बच्चों को प्यार नहीं करने देते, उनके दुश्मन बन जाते हैं, यहां तक कि हम उन्हें जान से मारने को भी तैयार हो जाते हैं। इंशा के पिता के हिसाब से शिवा एक गुंडा था, उनकी बराबरी का नहीं था। उन्होंने उसे मारने की कोशिश भी की लेकिन अफसोस वो उसे मार नहीं सके, तो उन्होंने अपनी इकलौती बेटी इंशा की जान ले ली। अब आप ही तय कीजिए कि इनमें से शरीफ कौन है। इसी सवाल के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।